Hello everyone, very good morning to all of you. As you all know that we had started the sixth chapter of your textbook behind. That is My Child. Means the previous video, the last video was about this chapter. We had already completed two paragraphs from that. It's about Mr. APJ Abdul Kalam, one of the presidents of India, who is also known as Missile Man of India because he contributed richly in the development of missile technology for India. So two parts, two paragraphs we had already completed. Today we will start from page number 69, paragraph number 3. And pay attention there. The Second World War broke out in 1939. Broke out ka meaning hota hai shuru hona. When I was 8 years old. It means when the Second World War started, Abdul Kalam was a boy of 8 years. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Tamarind ka meaning hota hai imli, yani Gujarati mein apne amli kahiye chhe. Pata nahi mere Abdul Kalam kehte hai ki, lekin us waqt achanak se tamarind seeds ki demand bahut बढ़ गई थी. I used to collect the seeds, sell them to a provision shop on Mosque Street. Mosque यानी मस्जिद. तो मस्जिद वाली एक गली थी, वहां पर एक दुकान थी. वहां पर जाकर इमली के सीड्स विच वर कलेक्टेड बाय अब्दुल कलाम, वो सीड्स उनको बेच देते थे और जो भी पैसा आता था, 5 पैसा 10 पैसा जो भी वो कमाते थे. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. Anna जिसको बोलते थे उस वक्त हमारे टाइम छोटे बच वो जब पुराना टाइम था तब तो इतना पूरा दिन का जो सीड्स का कलेक्शन था उनके कारण नरेटर को यानी कि अब्दुल कलाम को एक आना मिले उतनी कमाई उनकी हो जाती थी. But it was considered a princely sum, यानी एक बहुत बड़ी अमाउंट मानी जाती थी उसको. My brother in law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है. उस वक्त ये न्यूज़पेपर वहां पर होता था. उसमें हर रोज वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो भी स्टोरीज आती थी वो स्टोरीज पहले उनके ब्रदर इन लॉ अब्दुल कलाम को बताते थे और वो स्टोरीज अब्दुल कलाम खुद न्यूज़पेपर में सर्च करने की कोशिश करते थे. राइट. आवर एरिया यानी ही वाज फ्रॉम रामेश्वरम तमिलनाडु. राइट. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. वहां पर कुछ युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था, एक अलग एरिया है और इंडिया वॉज अ कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश रूल. तो एक तरह से युद्ध की कोई असर वहां पर नहीं थी. बट सुन, इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द एलिड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. अचानक से क्योंकि इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड जो था वो उस ग्रुप का ग्रुप में से ही एक कंट्री था जो वर्ल्ड वॉर लड़ा था. बच्चों हिस्ट्री में आपको पढ़ने में आएगा, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जो हिटलर के बारे में, राइज ऑफ हिटलर. राइट. उसमें साफ लिखा है कि देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ कंट्री, एलिज एंड एक्सिस. एक्सिस में जर्मनी इटली जापान था और इसमें अमेरिका था, रशिया था, इंग्लैंड था और एक और भी कंट्री था, वो आप जब पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा. तो वो एक एक्सिस ग्रुप, एक एलिस ग्रुप. तो एलाइड फोर्स ज्वाइन करना पड़ा इंडिया को और भारत में इमरजेंसी जैसा डिक्लेयर हो गया. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन होल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. पहला प्रॉब्लम जो हुआ इमरजेंसी के कारण वो क्या था, वहां जो एक ट्रेन आती थी हर रोज वो ट्रेन का होल्ट कैंसिल कर दिया कि अब वहां पर ट्रेन रुकेगी
पहले रुकती थी, अब वो होल्ट कैंसिल हो गया। The newspapers now had to be bundled, thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. पहले क्या होता था? ट्रेन रुकती थी और जो भी न्यूज़पेपर्स आते थे वो आराम से उतारा जाता था। लेकिन अब ट्रेन रुक नहीं रही, ट्रेन धीरी होती होगी लेकिन रुक नहीं रही थी, तो चालू ट्रेन में से ही न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंकने पड़ते थे। That forced my cousin Samsudin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. पहले क्या था? ट्रेन रुकती थी। अब्दुल कलाम के जो कजिन थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर्स बेचते थे, वेंडर थे वो। लेकिन अब ट्रेन रुक नहीं रही, सीधे न्यूज़पेपर्स थ्रो किए जा रहे थे, तो शमसुद्दीन नीडेड समबडी जो शमसुद्दीन को हेल्प कर सके। भाई इतने सारे पेपर बाहर अंदर से कोई फेंक रहा तो वो कैच करने तो चाहिए ना कोई, और वो काम अब्दुल कलाम को दिया गया कि तुम मेरी हेल्प करना, बदले में मैं तुमको पैसा दूं। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। खुद की जो पहली कमाई होती है ना, दैट रियली मेक्स अस फील वेरी हैप्पी। क्यों? हमें ये एहसास होता है कि ये मेरी कमाई, मैंने मेहनत की और मैंने पैसा कमाया। तो कहते हैं कि उस बात को हाफ अ सेंचुरी हो गया, फिर भी आज भी जब वो याद करते हैं कि मैंने वो पहला मेरा कमाई क्या था, वो सोचकर खुश हो जाते और उनको गौरव फील होता है, एहसास होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. हर एक बच्चा अब्दुल कलाम के कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके घर के लोग जैसे होते, उसके संस्कार उस बच्चे में भी अपने आप obviously एक घर है जहाँ पर भगवान की पूजा हर रोज होती है ना, सब शांति से रहते हैं एक साथ मिलजुल कर। That child will also learn the importance of being together, है ना, वो भी ऐसे ही पीसफुली रहना सीख लेगा। लेकिन ऐसा कर जहाँ पर झगड़ा ही होता है, गाली गलौज होता है, मारपीट किसी की होती है, तो ऑब्वियसली द चाइल्ड हु इज ग्रोइंग इन दैट फैमिली, उस पर उस तरह का इम्पैक्ट होगा। तो कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने घर के माहौल से कुछ सीखता है। तो अब अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्होंने क्या सीखा? आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मोर फ्रॉम माय फादर। अपने पापा से क्या सीखे? दो चीज सीखे, एक ऑनेस्टी सीखी और दूसरा सीखा सेल्फ डिसिप्लिन। From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sisters. तीन भाई थे उनके और एक बहन थी। हम सब ने मम्मी से kindness, दया वो सीखा, करुणा सीखी और अच्छाई पर भरोसा, ये बहुत important बात है कि भाई किसी को help करते हैं तो अरे वैसा कुछ नहीं होता, नहीं, पेरेंट्स को सिखाना है बच्चे को कि नहीं, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलता है। तो अच्छाई पर भरोसा रखना ये बहुत बड़ी बात है, तो एवरी पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चे को कि अच्छाई पर भरोसा रखो, बुराई पर। दुनिया खराब है वो क्यों देखते हो, दुनिया में कुछ अच्छाई भी है वो भी देखे। एक ग्लास तो आधा भरा हुआ है तो व्हाई टू से दैट इट इज हाफ एम्प्टी, से इट इज हाफ फुल, है ना, इतना पॉजिटिव सीखना पड़ेगा मेरे लिए। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड इन माय चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ये उनके तीन दोस्त थे। देखो वो मुस्लिम थे, उनके तीन बेस्ट फ्रेंड्स तीनों हिंदू। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मिन फैमिली, उस वक्त तो कास्ट सिस्टम का ज्यादा था,
Brahmin family said it. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. In fact, Ramanand Sastri was the son of Pakshi Lakshmana Sastri, the high priest of Rameshwaram temple. Rameshwaram temple jo hai, one of the famous temples in India. वहां के मुख्य पुजारी थे के कौन रामानंद शास्त्री के पिताजी. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेंपल फ्रॉम हिज फादर. अब उनके पापा की डेथ हो गई या फिर उम्र के बाद रामानंद शास्त्री खुद वहां के पुजारी बन गए. उनके पापा का एक काम उन्होंने सीख लिया. अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट for visiting pilgrims and Siva Prakashan became a catering contractor for the southern or southern railway. Railway ke catering contractor yani food provide karna passengers ko, wo contractor uska ban gaye Siva Prakashan. Arvindam jo the wo transport system mein tour and travels mein chale gaye. To unke jo teenon dost the they all went to different professions when they grew, right? अब यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तब तक प्लीज रीड द चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, मीनिंग ऑफ इट, राइट. थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद.